हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे कि पॉइंट्स मैन को मतलब कितना वर्क लोड होता है और उसको कितना प्रेशर रहता है काम करने का, और उसको मतलब रेस्ट कब मिलता है, क्या जब चाहेगा तब रेस्ट मिल जाएगा उनको, क्या क्या है सारा बात इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क प्रेशर की ओर, प्रेशर का। तो बात करते हैं, जब एक छोटा स्टेशन रहता है तो एक पॉइंट्समैन को जो है ना, जो सिग्नल दिखाना पड़ता है ऑफ साइड में जाके, तो जैसे कि ट्रेन का टाइमिंग है 10:20 में जब पास करेगा, तो ऐसी स्थिति में जो है ना पॉइंट्समैन को जो है ना एनी हाउ 10:20 से 5 मिनट पहले ही पूरा एक्टिव हो जाना पड़ता है। मतलब कि अब ट्रेन पास होने वाली है और हमको सिग्नल दिखाने के लिए 100% रेडी रहना है। तो ऐसी स्थिति में होता है क्या, न्यू पॉइंट्समैन क्या करते हैं कि मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मोबाइल आप देखिएगा तो ट्रेन अगर पास कर जाएगी तो इसमें बताइए, आप अगर उसको सिग्नल नहीं दिखाइएगा, सरकार आपको जिस चीज़ के लिए पैसा दे रही है तो आप वो काम नहीं कीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में तो आपको रख के क्या फ़ायदा है सरकार को, आप जब बखूबी काम नहीं कीजिएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए, ऑफ साइड में सिग्नल दिखाना अनिवार्य है पॉइंट्समैन को, तो अगर आप ऑफ साइड में सिग्नल नहीं दिखाइएगा तो ऐसे में तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए इस बात की कि हमको ऑफ साइड में जाके सिग्नल दिखाना है। तो ऑफ साइड में सिग्नल जाके दिखाएगा, इसीलिए उसको एक्टिव रहना पड़ता है। तो प्रेशर तो कुछ नहीं है, प्रेशर ऐसा नहीं है कि आपको यह काम करना है, बिल्डिंगों में काम करना, ईटा ढोना है, ये करना है वो करना, वैसा कुछ प्रेशर नहीं है। एकदम ईजी और शांति माइंड से सरकारी नौकरी में एक ही चीज़ तो मिलता है, वो है सुकून। तो इसमें पॉइंट्समैन में आपको सुकून मिलेगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। और जो है ना, वैसे जैसे कि आप मोबाइल ड्यूटी आवर्स में ना ही यूज करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल यूज कीजिएगा, वही एक ट्रेन का टाइमिंग है 10:20, अगर आप मोबाइल देखते रह जाइएगा उधर ट्रेन में घुस जाएगी, तो आप कैसे हड़बड़ाने लगेगा इसमें, ऐसी स्थिति में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए पॉइंट्समैन को ड्यूटी आवर्स में। बाकी आप अपना सचेत रह के कुछ भी कीजिए, अपना सचेत रह के कीजिए। और सेफ्टी बहुत बड़ी बात होती है इसमें, क्योंकि देखिए, आपका ऊपर वाले ने आपका जो जीवन डाला है तो बहुत ही कीमती है, इसीलिए जो है ना सेफ्टी भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। हर एक काम को सावधानी पूर्वक करना पड़ता है और जो है एकदम बखूबी करना पड़ता है, ताकि किसी तरह का, देखिए, काम ऐसा कीजिए कि मतलब कि आपका कंप्लेन ऊपर ना जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भाई बखूबी काम करना पड़ेगा। आपको आपका जो ड्यूटी है, जो आपका वर्क है, उसको आराम से कीजिए, कहीं को तरह दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका कंप्लेन ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप काम बखूबी नहीं करते, आपको काम दिया गया है जो चीज़ वो चीज़ नहीं कीजिएगा, अगर इस बात को कोई नोटिस कर लेता है अगला पर्सन, तो आपको उसमें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि काम आसान है, आप नहीं कीजिएगा वो भी तो आपका आपके खिलाफ कंप्लेन भी हो सकता है। तो जनरली काम सभी करते हैं, क्योंकि इतना मेहनत और मुशक्कत के बाद इस मुकाम पे पहुंचते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ जीकर मतलब ये काम मिलता है, तो उसमें आदमी बढ़िया से काम करने का प्रयास करता है, क्योंकि यहाँ सभी कोई अपना घर परिवार छोड़ के पैसा कमाने के लिए आए हैं, और एक सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती है और उन्होंने ये पाया है, तो उसमें आप काम की लापरवाही क्यों बरतेगा आदमी। तो ये हो गया। अगर बात करें रेस्ट की, तो सप्ताह में जो रेस्ट होता है ना, तो आपको जो है ना यहाँ का जो इंचार्ज होता है, हाँ, वो अपने हिसाब से देते हैं। जैसे कि हम ही को मिलता है रेस्ट, हाँ, तो जैसे कि हम 48 घंटा काम करते हैं 1 वीक में, तो हमको एक दिन का रेस्ट मिल जाता है। 1 वीक में हमारे यहाँ जो है ना 48 घंटा का ही काम होता है, 48 घंटा काम करते हैं, उसके बाद एक दिन वीकली रेस्ट होता है। जैसे कि हमारा जो आज है, आज रेस्ट है, रेस्ट से पहले की बात कीजिएगा, तो हम मॉर्निंग, देखिए हमको रेस्ट कब मिला, देखिए समझिए, बात करें हम जो है ना मॉर्निंग नाइट जो किए थे ना, तो नाइट करने के बाद हमको नाइट ऑफ मिला, नाइट ऑफ मिलने के बाद आज रेस्ट मिला, तो समझिए हमको क्या घंटा मिला, जानते हैं, हमको जो टोटल रखिए
24 दुना 48, 48 घंटा हमको फ्री मिला। बताइए इतना फ्री आपको जो है कौन देगा, इतना सुकून भरी ज़िंदगी है कि मतलब ये बहुत अच्छा है कि आपको रेस्ट इतना मिल जाता है। 24 दिन 48 घंटा हमको रेस्ट मिला है, प्रॉपर एकदम ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं हम, जो भी बोलते हैं सही बात बोलते हैं, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का कुछ बोल देंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, रेस्ट भी आपको प्रॉपर एकदम मिलेगा, कहीं को तरह की दिक्कत नहीं। आपका जो इंचार्ज है स्टेशन सुपरिटेंडेंट जो हुए वो आपको बखूबी सब कुछ रेस्ट देंगे, कहीं को तरह का परेशानी नहीं है, एकदम बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा लग रहा है करने में। और जो अच्छा है कि पॉइंट्समैन भी काम कर रहा है, जितने भी पॉइंट्समैन है सारे अच्छे से काम कर रहे हैं और कहीं को तरह का दिक्कत नहीं। आपको रेस्ट बखूबी मिलेगा, एकदम भरपूर रेस्ट मिलता है, काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।